आम महिलाएं, महिलाएं जो होती हैं वो एक घर को और एक पुरुष को और सब एक पीढ़ी दर को पीढ़ी को चलाती हैं, और हमारे साथ तमाम महिलाएं और पूजा और आस्था की हम लोग इनसे बात करेंगे। अगर आस्था की बात करें तो व्रत सबसे पहले माना जाता है, और व्रत के अंदर जो होती हैं सबसे ज़्यादा महिलाएं बिलीव करती हैं, या भगवानों की आस्था जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। और अगर आस्था और व्रत की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण व्रत होता है वो होता है करवा चौथ का। और जो करवा चौथ का व्रत होता है, आइए हम इनसे पूछते हैं, करवा चौथ का आप व्रत रखते हैं नहीं रखते, पहले तो ये बताइए। जी नहीं, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ। क्यों नहीं रखते हैं, जबकि बहन महिलाओं के लिए तो बहुत लंबी, अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं महिलाएं। बहुत सी महिलाएं रखती होंगी पर मैं नहीं रखती, क्योंकि ये आस्था भी बेकार है और ये हमारे त्यौहार व्रत है ही नहीं है। ये एक ब्राह्मणों की दी हुई साजिश है, जो हम लोग इसमें फंस गए हैं, फंसने के बाद हम इसमें निकलना बाहर मुश्किल हो रहा है इसके लिए। क्योंकि आप कैसे निकल कर आ गए फिर इससे बाहर? हम ये हमारे थोड़ा सा अपना जिस जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को ज्योतिबा फूलों को पढ़ा, हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा, ऐसे ऐसे हम उन चीज़ों से निकल के बाहर आए हैं। और इन इन ये जो अंधविश्वास है, ये जो ब्राह्मणों ने औरतों के ऊपर जो थोप रखा है कि ये त्यौहार रखो वो रखो, जो हमारे हैं ही नहीं, हमें उन्हें रखने का कोई मकसद ही नहीं होता कि हम उनको त्यौहारों को रखें। जी, आपका नाम क्या है? फूलवती। फूलवती जी, क्या आप भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं? और नहीं रखती हैं तो क्यों नहीं रखती हैं? नहीं रखती हूं। नहीं रखते? क्यों नहीं रखते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, जबकि महिलाओं को तो व्रत करना बड़ा अच्छा लगता है, या पेट में भूख रहता है इसलिए नहीं रखते हैं? नहीं, पहले से ही, काफी पहले से ही छोड़ रखा है। अच्छा, आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम एसराना है। अच्छा राना जी, क्या आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं नहीं रखते हैं? जी बिल्कुल नहीं रखती मैं तो। क्यों नहीं रखते हैं? करवा चौथ जैसे व्रत का मतलब ही नहीं है कुछ। जी, बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि सबको समान अधिकार है, पुरुष को जो अधिकार है वो महिला को भी है। अगर पुरुष डॉक्टर बन सकता है तो महिला भी बन सकती है। जी, अगर महिला अगर ये करवा चौथ का जो व्रत होता है वो पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है, तो आपको पति की दीर्घ आयु नहीं चाहिए होती, क्या रहता है? मैं क्या करूँगी पति की दीर्घ आयु का लेके, अगर मैं मर जाऊँगी तो पति दूसरी बीवी कर लेगा, तो मुझे थोड़ी अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करना है इसमें। ऐसे तो मेरे बच्चे बेकार हो जाएंगे, जितनी उम्र है उनकी उतनी ठीक है जी। और मेरी जितनी है, जितनी जो होगी वो उतनी ठीक है। और इससे कोई व्रत करने से किसी की आयु लंबी और छोटी नहीं होती जी। तो इसलिए ये बेकार के व्रत हैं, ये बेकार के त्यौहार हैं, इन्हें करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। और बेवजह के त्यौहार अपने घर में ऐसे लाने नहीं चाहिए। अगर कुछ देना है अपने बच्चों को तो शिक्षा दीजिए, ये व्रत त्यौहार देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे किसी का सुधार होने वाला नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा शस्त्र है जिससे सबका सुधार होगा, ना कि व्रत त्यौहार से। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।